तो कहते तुम देखने वाले कैसे हल्क ने शिनचैन पिनचैन को एडॉप्ट किया, कैसे उसे ट्रेन किया, कैसे उसकी मजबूरी और कौन कौन से विलन के साथ शिनचैन पिनचैन ने फाइट की, तो चलिए जानते हैं। और आप सब लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे करना मत भूलना, और इस इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर ओपन स्टोरी लिखना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। अबे टोरी तेरी मशीन क्यों खराब है? अबे यार बिजली चली गई है तो मैं क्या करूं? ऐसे निकल, आज तो स्टोरी देखने का बहुत ही अच्छा मन था, कोई ना कोई स्टोरी देख लेते। अरे यार टोनी पूरा मूड खराब कर दिया, तो बाप क्या करे। अबे मेरी कोई गलती नहीं है, चल रेडियो सुनते हैं। अबे तेरे पास रेडियो है? अरे है ना स्पाइडी। अरे यार जल्दी, अभी रेडियो का बटन भी दबाने के लिए अकेले हो। अबे रो मत यार, जल्दी दबा दे। अरे मैंने दबा दिया। कहते जब रेडियो देखने वाले ही आप लोगों को कुछ नया देखने मिलेगा, अभी उसे देखते नहीं सुनते हैं। ऐसी बात है, ओके मुझे पता ही नहीं था। तो चलो गाइस जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, हमें 7 लाख तक फ्लैश की स्पीड से जाना है। मैं बहुत नॉटी हूँ, आपको पता ही 6 लाख सब्सक्राइबर हो गयी, शुक्रिया। अब 7 लाख का टारगेट है आप लोगों के सामने, आई होप आप करवा दोगे। पिंचन बोल रहा है सब्सक्राइब करो, और आज भी मैं रखता हूँ 30,000 लाइक का, आई होप आप करवा दोगे, और कमेंट में ओपन स्टोरी लिखना मत। चलो रेडियो को स्टार्ट करो। आज की ताजा खबर है, स्टार्क इंडस्ट्री ने पर्यावरण को नुकसान करने के लिए अपना योग्यता पहले नंबर पर रखा है, और बाकी कंपनी भी उसका साथ देते हुए टॉप पे है। इसकी वजह से पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है, इसीलिए स्टार्क इंडस्ट्री को सारे के सारे न्यूज वाले एक बार वार्निंग दे देते हैं, नहीं तो आपको बदनाम किया जाएगा। स्टार्क इंडस्ट्री बहुत ही बुरी है, वो सूट की इल्लीगल तस्करी करती है। तो आज के न्यूज यही पे समाप्त होते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अंकल ये आपसे उम्मीद नहीं थी। अबे सुन तो मेरी बात। अरे चलते आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा बहुत अच्छे हो, लेकिन आपकी कंपनी में इतनी भली भुली हरकतें हो रही है, मुझे कभी यकीन ही नहीं होता। अरे टोनी तूने ये बहुत गलत किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। एस्गार्ड की कसम टोनी, शेम ऑन यू। अरे बापले वाडा भी टोनी इतना बुरा है। हाँ ना, चलो यहाँ से चलते हैं, आज से टार्क इंडस्ट्री का हमारा कोई संबंध नहीं है। अरे हाँ चलो। अरे अरे रुक जाओ, अरे ऐसी बात नहीं है। अरे हम तो जा रहे हैं। अरे बापले हम तो जा रहे हैं। अरे मैं जा रहा हूँ टोनी। अरे फ्रैंक निकल चलो। अरे यार सुनो तो सही। रुक जाओ तुम लोग, बहुत बोल रहे हो सबके सब, सुनो एक बात। फ्रैंक निकल क्या हो गया? तुम दोनों चुप हो जाओ, और तुम सब लोग एवेंजर्स बेवकूफ हो गए क्या? यहाँ पे एक रेडियो के ऊपर एक न्यूज आ गई तो तुम लोग टोनी के खिलाफ हो गए, भूल गए वो जंग जिसके अंदर थानोस के लिए टोनी ने अपने सारे सूट दांव पे लगा दिए थे। अरे लेकिन उससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, इस जंग का क्या फायदा जिसे हम ही बर्बाद कर रहे हैं। कैप्टन मुझे लगा नहीं था तू ऐसी सोच सकता है बेवकूफ, तुझे पता नहीं है ये सारी की सारी न्यूज फेक होती है, इनमें से आधी नकली होती है, मैं तो बोलता हूँ पूरी की पूरी नकली होती है, इनके ऊपर कभी भरोसा नहीं रखना चाहिए। अरे बाप रे, लेकिन ये तो सच होता है। तुम लोगों के अंदर भूसा भरा हुआ है, टोनी ने अपने सारे सूट को बनाने के लिए अपनी जान लगा दी है, उनमें से थोड़ा सा कचरा क्या बाहर निकला तो पर्यावरण पर नुकसान होने लगा। हाँ इनके ऊपर भरोसा मत रखो, तुम लोगों को ये दिख रहा है कि टोनी की कंपनी कैसे यहाँ पे नुकसान कर रही है, लेकिन वो नहीं दिख रहा कि टोनी के पीछे जो कंपनी है वो कितनी बर्बादी पचा रही है। टोनी की कंपनी पर 7% का कचरा बाहर निकलती है, लेकिन उसके पीछे जो कंपनी है वो 70% की वेस्टेज निकलती है, गार्बेज निकलती है, तुम सब लोग को नहीं दिख रहा वो, तुम लोगों को 7% दिख रहा है, क्योंकि टोनी बहुत पॉपुलर है ना, तो ये लोग अपने चैनल को पॉपुलर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये फेक न्यूज है। अरे सलजीत टोली मैं आपका चिंता हूँ, लेकिन आपने कभी मेरे को ऐसा मैसेज होने नहीं दिया कि मैं अलग हूँ, आप पूछ लो टोली हमने गलत न्यूज के ऊपर भरोसा लगा। अरे टोनी मैं सारे वजर की तरफ माफी मांगता हूँ, माफ कर दो। अरे बापले माफ कर दो। हाँ मुझे भी माफ कर दो। फ्रैंकलिन शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं यार, ये फेक न्यूज थी, और यहाँ पर ब्रेक खत्म हो जाता है, और यहाँ पे लॉस एंजेलिस के अंदर चंद मिनटों के अंदर यहाँ पे बर्बादी होने वाली है, पर्यावरण के नुकसान की वजह से लॉस एंजेलिस पे बड़े बड़े पत्थर गिरने वाले हैं। अब लॉस एंजेलिस छोड़ के आप सब लोग लिबर्टी सिटी चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे सरकार भी मदद नहीं करने वाली, चलो भागो, मैं भाग रहा हूँ। अरे फेक निकल ये क्या हो गया, ऊपर से आसमानी पत्थर गिरने वाले हैं। अरे अब क्या करें? अबे टोनी टेंशन क्यों लेता है, उस पत्थर को हम तेरे सूट की मदद से तोड़ देंगे। अरे हाँ मेरे पास बहुत सारे सूट है। अब तुम लोगों को समझ में आ गया किसका सूट काम में आ गया, कोई इंडस्ट्री और कोई रेडियो नहीं होता, देखा भाग गया ये भी। अरे हाँ समझ में आ गया, आपकी पट्टी खुल गई। तुम लोग भी अपनी आंखों की पट्टी खोल तो समझे, फेक न्यूज पे कभी भरोसा मत करना गाइस। आप तुम लोगों को बता रहा हूँ, अपने आप पे भरोसा करो, अपने कोच के सजेशन पे भरोसा करो, अपने आप पे फोकस करो, ये फेक न्यूज होती है,
सच्चाई और बेकाबू में डिप्रेस होता है। याद रखो। चलो सब लोग सूट पहनो, हम नहीं आने वाले फ्रिंकल अंकल। वैसे भी तुम लोग बच्चों यहीं पे खेलो, और कोई नहीं आने वाला। हल्को नहीं आना, हल्को करण खाना है। अबे जा बे तू आ मत यार यहाँ पे, जल्दी जल्दी चलो। ये तुम लोग सब लोग एक एक सूट ले लो और चलते म्यूटियर्स को तबाह करने। अरे हाँ चलो जरूर सूट रेडी कर। हाँ सर सूट रेडी है। म्यूटियर्स तुम्हें खत्म करने आ रही है पूरी शूटर आर्मी। चलते हैं म्यूटियर्स को तबाह करने। टोनी यहाँ पे बहुत सारे पत्थर गिर रहे, इतने सारे पत्थर को एक साथ कैसे फोड़ेंगे? अरे ट्राई करो, ये पत्थर ज्यादा देर लोसेंटोस में नहीं गिरने चाहिए। हाँ ओके ट्राई करता हूँ। ओके अब इनके ऐसे दिया, ये पत्थर को तोड़ना बहुत मुश्किल है। एक को तुमने ब्लास्ट कर दिया नीचे उतरते हुए, लेकिन बहुत सारे गिर रहे। उस शिट एक एक करके हमें इनको रोकना पड़ेगा। जार्विस स्पीड कैलकुलेट कर। हाँ सर स्पीड कैलकुलेट है 2 किलोमीटर पर आवर। ऐसी बात है। ओके टोनी हमें सारे सूट को अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके बाद हम ये सारे पत्थर को तोड़ पाएंगे। इनके ऐसी की तैसी। ये ले इसको मारना है। बहुत हो गया, इसको जल्दी जल्दी फोड़ दे। ये ले फाइनली मैंने इसको इस बिल्डिंग के ऊपर गिरने से रोक दिया, लेकिन छोटे छोटे पत्थर गिरे टोनी। अरे छोटे छोटे गिरने दो, लेकिन बड़े नहीं गिरने चाहिए। अरे यार ओके बड़ा वाला, ये तो छोटा है बड़ा वाला पत्थर। जल्दी 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 गाइस कुछ करो यार, मुझे नहीं पता इस सूट को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। मैंने उड़ा दिया इसको। ये ले ब्लास्ट कर दिया इसको। यहाँ पे भी एक पत्थर है। बहुत हो गया। ये ले मैंने आसमान में फोड़ दिया। ओ भाई साहब इसको उड़ाना पड़ेगा बिल्डिंग से, नीचे गिर रहे इसके। मैंने इसको मिट्टी बना दिया है। टोनी जल्दी सारे बिल्डिंग को कवर करो। ओके कवर करो सब लोग। टोनी मेरे सूट की पावर कम हो गई है, मुझे वाले पत्थर को तोड़ना पड़ेगा नीचे, वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाएगी। अरे ये पत्थर हिल क्यों रहा है, ये कौन आ रहा है? टोनी ये कौन है? अरे क्या हो गया फ्रैंकलिन? अरे कौन है ये? नहीं फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन बात कर। अरे क्या हो गया फ्रैंकलिन, बात क्यों नहीं कर रहा? शिट फ्रैंकलिन के ऊपर पत्थर गिरा लगता है, फ्रैंकलिन बात नहीं कर रहा। बाकी सब लोग चाके देखो। अरे टोनी हम पत्थर को संभाल रहे हैं। ऐसी बात है, ओके मैं ही जाता हूँ। फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन, अरे फ्रैंकलिन को क्या हो गया ये? अरे कौन है? अरे बाप रे क्या हो गया टोनी, बात तो कर। अरे यहाँ पे आ गया। अरे बाप रे कौन आ गया, रुक जा मारे। अरे मत आओ यहाँ पे, शिट मत आओ। नहीं कौन हो तुम लोग? मुझे लगते है टोनी कतरे में, सब लोग चलो वहाँ पे। अरे टोनी, अरे तो टोनी है। अरे टोनी को क्या हो गया, जल्दी आ जाओ यहाँ पे। अरे क्या क्या हो गया? अरे बापले क्या हो गया, अरे लगता है इसको कुछ हो गया। अरे बापले कैप्टन अब क्या करे? अरे मुझे बताओ यहाँ पे पत्थर गिरना बंद हो गया क्या? अरे बापले यहाँ पे जो सिचुएशन है उसकी सबसे बंद हो गई है। अरे फ्रैंकलिन और टोनी को क्या हुआ, किसने मारे इन लोगों को? मैंने मारा। कौन है ऊपर? अरे ऊपर से कौन चिल्लाया? इधर आओ जल्दी जल्दी, देखो कौन है ऊपर। अरे ये कौन है? अरे बापले ये तो बहुत खतरनाक है। अरे कैप्टन क्या हो गया? अरे चिंचन यहाँ पे हल्क जैसा एक बंदा आ चुका है, उसके पर शार्क जैसे टेक्निकल से। ये हल्क भी झुक गया है। अरे मत बचो हमें। कहाँ पे भाग रहे हो? अरे नहीं बचो। पूरी दुनिया मेरी है। अरे कौन है, मारो इसको। मुझे मारोगे? हल्का सूर, हल्का सूर से पंगा लोगे। हल्का सूर का कहर नहीं देखा तुम लोगों ने? यहाँ पे एक हल्क नहीं है, लाखों है। आ जाओ सब लोग, मेरे हल्क साथ चुके। तबाही मचाओ सब लोग, जाओ हमला कर दो इनके ऊपर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबको तबाह करो। ये प्लेनेट अब हमारा है, हमला कर दो, किसी को छोड़ना मत। हल्का सूर जाओ पूरे दुनिया को तबाह करो, मजा बहुत आने वाला है। इन्हें लगा यहाँ पे म्यूटियर्स गिरने वाले, लेकिन यहाँ पे आ चुके थे हल्का सूर। हम सब है हल्का सूर। चलो 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 तबाही मचाओ। अभी क्या ये कहाँ पे आ गए? अरे यार चिट 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 चिट, अबे टोनी मेरा सूट कहाँ पे? अरे यार वो चोर, वो सूट गए बाढ़ में। पहले देख हमें किसने पकड़ा है। अबे किसने पकड़ा है? आंडू पांडू ने। ये आंडू पांडू नहीं लग रहा, ये कौन है? हमें हल्का सूर, हम असुर प्लेनेट से आए हैं। आ तो जाओ ना, असुर करने यहाँ पे क्यों आए हो? हम यहाँ पे राज करेंगे। अरे यार इतने तुझे तो हो, अगर सूट फिर से मिल गया ना तो दो दांत तोड़ दूंगा, दो बत्ती से निकाल दूंगा। हमारे दांत नहीं होते, हम इंसानों को निकल जाते है। इंसानों को निकल जाते हो? मैं इंसान नहीं हूँ, मैं टीम फॉर लंडन हूँ। अरे लेकिन तो इंसान ही हुआ ना। अबे चुप रहो, मैं बोल रहा हूँ इंसान नहीं हूँ। हमें पता है कौन इंसान है और कोई नहीं। तुम एवेंजर्स हो, हमने तुम लोगों को पकड़ लिया है, अब तुम लोगों के ऊपर हम राज करेंगे। सेना हमला करो। अरे इतने सारे लोग हमारे ऊपर आएंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे? नहीं शिंचन, बचा पूरा ग्रह इनसे भरा पड़ा है। हमें यहाँ से जा
आना पड़ेगा। अरे कहाँ पे जाना है? हल्का सुर आ चुके, चलो जल्दी। अरे ये हल्का सुर कौन है? हल्का बाद में बता दे, सारे में जिस कब से मैं, चलो यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे मेरे को नहीं आना आपके साथ हल्क, रुक जाओ। अरे मेरे को भी नहीं आना है। अरे हाँ तुम दोनों को आना पड़ेगा। हल्क जबरदस्ती लेके जा रहे चीजें पिक्चर को प्लीज पहुँचाओ। ओपी हल्क लिख दो जिसकी वजह से हल्क भी छोड़ दे। हाँ ओपी हल्क लिखो। ओपी हल्क मत लिखो, ये तो हमें भगा के लेके जा रहा है। हाँ तुम लोगों को पता नहीं यहाँ पे वो क्या रहा है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। रुको मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, देखो पीछे। अरे मत रुको, भागो। अब क्या हो गया? अरे पत्थर गिर जाता तो सर फूट जाता था। अब पत्थर गिर जाता तो तुम दोनों फट जाते बेवकूफ। अरे बहुत बड़े बड़े पत्थर गिर रहे, चिट मुझे इसे लेके जाना पड़ेगा इन लोगों को। लेकिन कहाँ पे जाए, यहाँ पे तो पूरी तबाही मच चुके है और वो हल्का सुर भी आ चुके हैं। बहुत बड़े बड़े असुर प्लेनेट के वो लोग हैं, बहुत खतरनाक है। आप कुछ कर नहीं सकते, अब तुम दोनों को ट्रेन करना पड़ेगा। एक हल्क इतनी सारी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, हल्क सिटी में रहेगा, तुम दोनों जाके एवेंजर्स को छुड़ाओगे। लेकिन हम लोगों को चाहते नहीं है, हल्क तुम्हें सब कुछ देगा। हम लोग चाहते हैं हम लोग भी हल्क जैसे पावरफुल बने, तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर हल्क पे लिख दो और कमेंट सेक्शन के अंदर ये भी लिख देना चिंचन द हल्क ओपी और थैंक्स फॉर 600 हल्क रुक जाए। हां हल्क भी थैंक्स बोलता है। चिंचन पिंचन को आज मैं ट्रेन करूंगा क्योंकि आप यहाँ पे जरूरत आ पड़ी है और हमारी फैमिली भी बढ़ चुकी है, तो ये दोनों को भी ट्रेन करना पड़ेगा। अरे पास बच्चे के ऊपर जुलम क्यों करते हो? जल्दी जल्दी से लाइक सब्सक्राइबर कर दो, नहीं तो हल्क मेरे पर जुलम कर देगा। हमें फ्लैश की स्पीड से जाना है, हल्क की स्पीड से नहीं। हल्क को कमजोर समझा, हल्क अपनी स्पीड दिखाएगा। अरे नहीं रुक जाओ। अरे यार तेरी स्पीड बहुत ऊपर है, लेकिन कहाँ पे लेके जा रहा है? हल्क सीक्रेट जगह पे लेके जा रहा है, यहाँ पे हल्क कभी भी हम पे हमला कर सकते हैं। ओके लेके चलो, कहाँ पे लेके जा रहे हो? समंदर के अंदर। अरे हमें तैरना नहीं आता। कहा किसने कहा तैरना है, जंप मारना है? नहीं हल्क यहाँ पे पहुँच चुका है। अबे हल्क पे पहुँचा दिया हमें, ये कौन सी जगह है? ये है सीक्रेट जगह। ऐसी बात है क्या, हमें यहाँ पे क्यों लाया है? ट्रेन करने के लिए, उधर जो दोनों। अबे फेंकने का नहीं होता बेवकूफ, फेंक दिया हल्क। हल्क बस अकेला है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एवेंजर्स भी नहीं यहाँ पे। हम हल्क से ट्रेन करते हैं और जाके एवेंजर्स को बचाते हैं। हल्क ट्रेन करो हमें। ओके मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे हल्का सुर का सर चाहिए। वो सर चाहिए, पैर चाहिए, वो हाथ चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी हमें सिखाओ, हमें हमारे फैमिली भैया को बचाना है। ओके तो चलो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ये हुई ना बात, चलो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और इस तरीके से चिंचन पिंचन हल्क से ट्रेन ले रहे थे, एक तरफ एवेंजर्स खतरे में थे, दूसरी तरफ सिटी खतरे में थे, इसलिए हल्क को चिंचन और पिंचन को ट्रेन करना पड़ा। बहुत दिनों तक चिंचन और पिंचन हल्क से ट्रेनिंग लेते हैं। और चलो आप सब लोगों को हल्क और पिंचन चिंचन की ट्रेनिंग दिखाते हैं। पहले ट्रेनिंग के दिन हमारे चिंचन ने एक टैंक को ओढ़ा, दूसरे दिन 4 टैंक को, तीसरे दिन 5 टैंक को, और अब उसको पूरे का पूरा टैंक का झुंड खींचने के लिए हल्क ने कहा है। अब देखते हैं हमारा चिंचन इसमें पास होता है या फेल। इसके बाद ये हल्क उसे हल्क की पावर सौंपने वाला है, अदरवाइज यहाँ पे टाइम कम है। तो देखते हैं चिंचन यहाँ पे पास होता है या फेल। अब चाहते हो चिंचन पास हो जाए तो जल्द से जल्द चिंचन के लिए अच्छे अच्छे विशेष कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। तो देखते हैं इन सारे टाइम को हमारा चिंचन खींच पाता है या नहीं। चिंचन क्या कर रहे हो, खींचो। मेरे से नहीं हो पा रहा, ये बहुत ही मजेदार है। ये इससे नहीं हो पा रहा, इसने एक खींचा दो खींचा लेकिन अब इतने नहीं हो रहे, मुझे इसको गुस्सा दिलाना पड़ेगा। तुझे पता है पिंचन ने कितने टैंक खींचे थे? ये कितने? उसने टोटल 50। क्या बोलते हो, कुछ भी मत बोलो। वो तेरे से बहुत ताकतवर है। नहीं मैं हूँ। तू दिखा अपनी पावर और खींच सारे के सारे टैंक को। ओके ऐसी बात है, अब मैं इस सारी टैंक को खींचूंगा, अब मेरे अंदर बहुत ताकत आ गई है, इसके ऊपर कहीं खींचे जा रहे मेरी तरफ से। यू कैन डू इट, तू पिंचन से बहुत ताकतवर है। मेरे को पिंचन का नाम सुना के डराते हो? नहीं पिंचन कमजोर है, अब मैं ताकतवर हूँ, खींचूंगा इसको। गाइस आप सब लोगों की मुझे बहुत आवश्यकता है, प्लीज मेरे लिए विश करो, मैं इसको खींचूंगा। मेरा नुस्खा काम कर रहा है। यहाँ पे हमारे हल्क ने चिंचन को गुस्सा दिला के टैंक खींचाने की कोशिश की और वो उसमें सक्सेसफुल होता है। देखो आगे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अच्छा हल्क क्या हो रहा है चिंचन तुझे? मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, अब मैं सारे टैंक को खींचूंगा, चिंचन खींचेगा, मैं खींचने की कोशिश करूंगा। ये क्या हो रहा है चिंचन के पास बहुत ताकत है, यहाँ को थोड़ा भागना पड़ेगा। मेरे पास बहुत ताकत है, खींचो खींचो, मैं इसको खींच भी नहीं पा रहा। चिंचन
आई तू खींच सकता है। गाइस क्या कर रहे हो, आप लोगों ने अभी तक विशेष नहीं दी। आई मैं अपनी पूरी पावर यूज करने वाला हूँ। जल्दी जल्दी चिंचन, अपने पास टाइम कम है। गाइस गाइस मैं खींचूंगा, मेरे व्यूअर्स के लिए खींचूंगा, आवेदन के लिए खींचूंगा। खींचन मैं सारे टैंक को खींचूंगा। एक काम करता हूँ, जोरदार जंप मारता हूँ। अब मैं दिखाऊंगा चिंचन कितना ताकतवर है। खींच जल्दी। ओके मैंने पूरी जंप मार दी है और सारे टैंक को खींच लिया है। अब बहुत चलता हूँ आगे। मैंने सारे टैंक को हिला तो दिया है, इससे आगे मैं नहीं लेके जा पा रहा। ये क्या हो गया, सारे टैंक तो पानी में गिरा दिया मैंने। हेल्प देखो कहाँ पे हेल्प हो रहा है। हेल्प, मेरे पास भी पावर्स आ गई। हल्का रहे चिंचन, रुक जा, तूने बहुत अच्छा किया। मैंने देखा दूर से, मुझे लगा था तू बहुत ही ताकतवर हो चुका है। हल्क भी इतने सारे टैंक को एक साथ खींच नहीं पाता, तू बहुत ताकतवर हो चुका है। जा, हल्क ने तुझे पावर दी। किसी पावर, हल्क ने तुझे मनोबल की पावर दी है। अब तू मन से हल्क बन चुका है, ताकतवर बन चुका है। जा, क्या तुझको बचा। लेकिन मेरे भाई का भाई क्या, तू एक काम कर, जा आगे, आधा सफर तय कर। मैं तेरे भाई को बहुत तेजी से भेजूंगा। किसे भेजोगे, हल्क ने कहा भेजूंगा मतलब भेजूंगा, जा यहाँ से। ओके गाइस चलते हैं अब यहाँ से। मेरे को क्या ट्रेनिंग करनी है। तुझे एक ट्रेनिंग करनी है, तुझे आग से निकलना है। क्या कहा, आग से निकलना है, ये कैसे करूँगा मैं। मुझे नहीं पता, अगर तू ये करता है तो तुझे हल्क मनोबल की पावर देगा। गाइस पेंशन के लिए प्लीज प्लीज कर दो, आप सब लोगों की वजह से ही मैं कर पाऊंगा। ये बात है, चलो आग से ऊपर चलो। ये रही आग, जाओ अंदर से। ये क्या चीज है, इतनी सारी आग लगा दी, इसके अंदर से पिंचन कैसे जाएगा। गाइस देखो ये क्या चीज हो गई, तुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। ओके गाइस मैं जा रहा हूँ, अगर पिंचन बचे या ना बचे, लेकिन प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमारे फ्रैंकल भैया के साथ जरूर रहना। क्या पता फ्रैंकल भैया बचे या ना बचे, जल्दी जल्दी आग के अंदर से चलता हूँ। अरे ये तो बहुत बड़ी बड़ी आग है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मुझे जाके वापस आना है, यहाँ पे तो जोरदार आग लग चुकी है। एक काम करता हूँ, मेरे पास एक आइडिया है। गाइस मेरे पास एक कैन है, अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। आग आग आग, ओके चल वहाँ पे। उड़ गया यहाँ पे, तुम आ चुका हूँ। हल कभी कभी अपना दिमाग भी यूज किया करो, ये देखो ऐसे बोलते हैं दिमाग यूज करना, ऐसे बोलते हैं सच्ची मुच्ची का दिमाग। बहुत बढ़िया पिंचन, ऐसे ही प्रगति कर। शुक्रिया, अब तुझे हल की पावर लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसे बोलते हैं ना अपनी असली पावर का यूज करना। अब ये वाली भी ट्रिक देखो, यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। हल भैया मैं आप आ चुका हूँ। पिंचन बहुत बढ़िया, मुझे तेरे से यही उम्मीद थी। तू बहुत इमोशनल है और तू बहुत इंटेलिजेंट और मासूम है, मुझे तेरे से यही उम्मीद थी। एक तरफ तेरा भाई चिंचन बहुत गुस्सेल और बहुत खतरनाक, और तू यहाँ पे स्वीट और इंटेलिजेंट वाला खतरनाक। इंटेलिजेंट भाई बहुत खतरनाक होते है। इंटेलिजेंट हूँ, इंटेलिजेंट पिंचन आप लिखते हो। तू ये ले, मैं तुझे मनोबल की पावर दे रहा हूँ, जाके बचा अपने भाई को, वो भी खतरे में। लेकिन मैं इतनी जल्दी जाऊँ किसी हल किस लिए, ऐसे मत फेंको प्लीज। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सामने वाले आइलैंड पे वो लोग छुपे। जा जल्दी अपने पिंचन और चिंचन भाई दोनों की दोनों तबाही मचाओ। ओके हेल्प, और अब मैं जा रहा हूँ आग की तरह। लोजिन टोस को बचाने पहुँच चुका है हल्क। यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ, ये देखो ये रहे वो हल्का सूर, ये बहुत सारे यहाँ पे, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंचन मैं आ गया, अरे पिंचन कहाँ पे हो। अरे मैं वहाँ पे हूँ जहाँ पे फ्रैंकल अंकल छुपे है, इसका मतलब सामने वाले पहाड़ के ऊपर। सामने वाले पहाड़ के ऊपर हूँ। तू एक काम कर पिंचन, फ्रैंकल अंकल और सारे को लेके जा, लोगों को ध्यान भटकाता हूँ। वो कैसे भटकाएगा तू, ऐसे तुम लोगों कैसे की तैसी। ये ले अब तुम लोगों को बताऊंगा। अरे भाई ऐसे मत कर चिंचन, पिंचन तुझे जितना कहा है उतना कर, यहाँ पे सब कुछ चिंचन संभाल लेगा, तुम लोगों कैसे की तैसी। ये लो, ये कौन सा बच्चा है, अरे आ जाओ यहाँ पे सब लोग, यहाँ पे ये बच्चा आ गया है, ये बहुत ताकतवर है, जल्दी जल्दी आ जाओ या पूरी से ना जाओ। पिंचन जल्दी हरी है, हमारे पास टाइम नहीं है। ओके चिंचन मैं ट्राई कर रहा हूँ, फ्रैंकल अंकल मेरे सामने है। तू क्या कर रहा है, जाके उनको बचा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इनको मैं बचाता हूँ, इनको बचाता हूँ। बच्चा नहीं तो बचा, मेरे को क्या करना है, मैं अपने फ्रैंकल भाई को बचाऊंगा। अरे पिंचन बेवकूफ, उतना ही तो बोल रहा हूँ, बचा उसको जल्दी, इनको मैं बताता हूँ तब तक। ये ले तेरे से कितनी छोड़ूंगा नहीं, ये ले ये ले। अरे यहाँ पे तो और भी आते जा रहे हैं, इनके ऐसे की तेजी छोड़ूंगा नहीं, बहुत हो गया। अब इसको बता दो ये खा, अब इन लोगों की बाट लगाऊंगा। ये लो तुम लोगों के साथ में अभी हड्डियाँ खेलूंगा, ये लो तुम लोगों की हड्डियाँ मेरे को चाहिए। तुम लोगों ने मेरे एवेंजर वाले भैया को कैसे कैद किया, ये ले। अरे आ जाओ सब लोग यहाँ पे, एक बच्चा घुस आया है, अलर्ट। अरे पिंचन क्या करे, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं पहुँच चुका हूँ चिंचन। अरे सुनो यहाँ पे कोई ना कोई घुसपैठी आ चुका है, हम में से किसी एक को जाना पड़ेगा। कौन जा रहा है, अरे तुम्हें जाओ, अरे तुम्हें जाओ। हाँ ओके मैं जा रहा हूँ।
तब तक इन चूजों का ख्याल रखना। अरे कौन आया यहाँ पे? तुम्हें क्या करना है, कौन आया है? कोई तो घुसपैठी आ गया है। चलो मैं जा रहा हूँ उनकी हेल्प के लिए। आर्मी कम पड़ रही है, इतना खतरनाक कौन हो सकता है? चलो जल्दी जल्दी चलता हूँ यहाँ से। अरे ये क्या हो गया? ये रही ये लोग, यहाँ से एक बंदा तो चला गया है, अब यहाँ पे दो बच्चे हैं। एक काम करता हूँ, इन लोगों को मारता हूँ। अरे मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ? मेरे को भी अपनी अकल तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा पहाड़ी इन लोगों से भरा पड़ा है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज कम सेकंड के अंदर कोई ना कोई रास्ता बता दो। एक काम करता हूँ, मेरे पास एक आइडिया है। पहले काम करता हूँ, इन लोगों को मारता हूँ, फिर इनको बचाता हूँ, और उसके बाद इस पूरे टापू के ऊपर बॉम्ब लगा दूंगा। मेरे पास बॉम्ब है। सारे पहाड़ फूट जाएंगे तो ये लोग बचेंगे नहीं। कैसा लगा आइडिया? आइडिया अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। अरे वो मनुष्य हो गया यहाँ से, बहुत हो गया। अपने को भी पावर यूज करनी है, उसके साथ दिमाग भी यूज करना है। हेलो, हाउ आर यू? अरे ये कौन बच्चा है? अबे पिंचन, तू यहाँ पे? अरे ये तो पिंचन है। अरे तू यहाँ पे क्या कर रहे? भागे थे बच्चे, ये मारने के बहुत खतरनाक है, ये हल्के भी ताकतवर है। ये हमें तो हैकल के। अबे मतलब क्या? ये मतलब देखो, ये ले तेरे से कितने सी, अब तुझे भी छोड़ूंगी नहीं। ये निकल जाए। रुक जाए, कौन आ गया? घुसपैठिया। अभी कहाँ पे भाग रहे? इधर आए। ओ यहाँ पे मैं घुसपैठिया, जल्दी आ जाओ। यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी निकल जाए ऐसे। ये पिंचन क्या कर रहा है? चिंतन भी हमें पहुँच चुका हूँ फ्रैंकलिन के पास। अरे हाँ चिंतन, पिंचन पे पहुँच चुके। अरे इस गेट को तोड़ दे। अरे तुसी बात है, ओके गेट को तोड़ दिया, देखो इतना आसान था। अरे भाई साहब क्या पावर है यार इसकी, 2 मिनट के अंदर तूने गेट को ही तोड़ दिया। अरे जल्दी भागो यहाँ से, यहाँ पे वो लोग आने वाले है। अरे हाँ भाग रहा। चलो 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 एवेंजर्स, आ जाओ आ जाओ। मुझे पता है यहाँ पे एक पीछे की रेड शिप है, आ जाओ जल्दी, क्या कर रहे हो? अबे पिंजन आ जाओ, तू भी क्या कर रहे हैं? मैं ऐसे नहीं होगा, मैं अपने भाई को लेके आऊंगा। अरे यार मुझे भी जाना पड़ेगा एवेंजर्स। अरे फ्रैंकलिन जल्दी शिप को लेके चल। अरे यार आप लोगों की जान भी बहुत ही खतरे में। नहीं फ्रैंकलिन, अब मेरी चिंता मत करो, जाओ मैं वापस दौड़ रहूंगा, वो भी जिंदा। अरे पिंजन ठीक है, तूने मुझे वादा किया जिंदा वापस आने का, तो यार प्लीज अपना वादा जरूर निभाना। गाइस यार प्लीज यार पिंजन का साथ जरूर देना, उसे जिंदा वापस आना, मुझे एवेंजर्स को भी बचाना है। जल्दी जल्दी चलते इस बोट को लेके। पिंचन बाय बाय बच्चे, आ जाना ठीक है ठीक से। ये मेरी चिंता मत करो, मैं तेरे पीछे देख। अब पीछे मत देखो, आगे जाओ। इसी बात है, ओके एवेंजर्स चलते अब यहाँ से। हाँ यार मैं नहीं चाहता यार चिंचन पिंचन को अकेले छोड़ के चला जाऊँ, लेकिन यार क्या करूँ, एवेंजर्स की बहुत जरूरत है सिटी के अंदर। सिटी ये लोग तो चले गए। अरे यहाँ पे कौन आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। जल्दी जल्दी बॉम्ब को प्लांट करता हूँ। अरे बाप रे यहाँ पे और दो लोग आ गए, अब मैं क्या करूँ? अब मैं अपनी पावर यूज करूंगा इनविजिबल होने की। अरे यहाँ पे कौन आया था? मैं आया था। ये लो तुम लोग किसी की किसी, ये खा तेरी भेज के निकल जा। अरे यहाँ पे बंदे जल्दी आ जाओ। शिंचन यहाँ बोल, पिंचन क्या हो गया? एवेंजर्स को बचा लिया, यहाँ बचा भी लिया, और वो लोग चले पे गए। तू भी निकल जा जल्दी जल्दी यहाँ से। पिंचन को लेके बगैर शिंचन नहीं जाएगा। अरे मेरे पति कह रहे हमें कम करते पूरे इस टैप को ही उड़ा दे, क्या बोलता है? बहुत मजा आएगा, लेकिन हमारी जान खतरे में है। पिंचन चिंचन डरते है क्या मरने से? नहीं डरते, तू सोच कह रहा है, तो उनको भी डायरेक्ट मैं यहाँ पे बॉम्ब प्लांट करता हूँ। चिंचन यहाँ पे मैंने बॉम्ब प्लांट कर दिया है, चल जल्दी भाग यहाँ से। अरे मैं भाग नहीं पाऊंगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग है, ये मेरे बीच में है, इनको मार के मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके चिंचन मैं कम करता हूँ, इन सारे के सारे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता हूँ। गाइस प्लीज प्लीज करो, लाइक करो और सब्सक्राइब कर देना, अगर हम दोनों बचे या ना बचे हम दोनों इस बम को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये एस्ट्रो प्लेनेट से आए हुए हल्का सूर हमारे लॉस एंजेलिस में तबाही मचा रहे हैं। अगर इनका पैसे नहीं रहेगा तो इनको खाना कौन देगा? उसके बाद ये लोग खत्म। कैसा लगा पिंचन का आईडिया? तो जल्दी जल्दी मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। चिंचन मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया, भाग जल्दी, हमारे पास बस 30 सेकंड बचे हैं। ओके मैं भाग रहा हूँ पिंचन, तुम्हें भाग। चलते अब यहाँ से, पिंचन निकल चुका है, चिंचन जल्दी आ जाए, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। अरे ये क्या हो रहा है, अभी तक आया नहीं है चिंचन, क्यों नहीं आया? और उसकी वॉइस भी नहीं आ रही। चिंचन चिंचन लगता है मैंने चाहता था वही हो गया, और लोगों ने उसको मार दिया। अभी यहाँ पे ब्लास्ट होने वाले 15 सेकंड के अंदर। नहीं चिंचन, मुझे नहीं लगता अब चिंचन बचा होगा, पूरा का पूरा टापू ब्लास्ट होने वाला है। चिंचन मेरे भाई, नहीं गाइस आप लोग सब्सक्राइब कर दो, लगता है आप लोगों की विश कम पड़ रही है, अगर सब्सक्राइब करते हो तो विश पूरी हो जाएगी। प्लीज चिंचन नहीं। भाई मैं आ गया है। क्या कहे चिंचन, कब हो? अरे ये तो मेरे पीछे पड़ रहे हैं, छोड़ दो मेरा पीछे, छोड़ दो बेवकूफ, पीछे से ब्लास्ट हो रहा है पूरा का पूरा। भाग जाओ यार, क्या कर रहे हो? चिंचन भाग, चिंचन भाई भाग, पीछे भाग रहा हूँ, पीछे से पूरा ब्लास्ट हो रहा है। इन्होंने मेरे शहर को तबाह किया, पकड़ो इस बच्चे को। नहीं भागो 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 भागो, भागो भागो भागो। अरे ये क्या हो गया? अरे यहाँ पे ब्लास्ट हो गया, भाग जाओ। पिंचन बच चुका हूँ मैं यहाँ पे भाई। और इस तरीके से बहुत
बहुत ही बड़े खतरनाक सिचुएशन से शिंचन और पिंचन हमारे बच जाते हैं और वो पूरा का पूरा टापू एक ही झटके में ब्लास्ट हो जाता है। उसमें बहुत सारे मॉन्स्टर राख हो जाते हैं। अरे नहीं, ब्लास्ट हो गया पूरा टापू। पीछे तेरा आइडिया काम में आ गया भाई। तभी कुछ खास नहीं है। और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। गाइस फाइनली सब कुछ ठीक हो चुका है आप सब लोगों की वजह से। आप सब लोगों ने सपोर्ट दिखाया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया, शुक्रिया। हमने ये मुसीबत से छुटकारा पा लिया। जिस हिसाब से मुसीबत आ रही है लगता है कोई बड़ा सा खतरनाक मामला सामने आने वाला है। कोई तो मुश्किल आने वाली है, क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन आप सब लोगों का शुक्रिया। मिलेंगे ऐसे अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मेक श्योर सब्सक्राइब लाइक एंड बेल नोटिफिकेशन ऑल पे करना मत भूलना। चलते हैं, बाय बाय।